हेलो दोस्तों, पठान ने 1000 करोड़ कमा लिए हैं। ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि पठान ने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। हिंदी में 497 करोड़, पूरी लैंग्वेज में, सारी लैंग्वेज जो इंडिया की उसमें 515 करोड़, और वर्ल्ड वाइड 1001 करोड़ पठान ने कमा लिए हैं। जो कल का कलेक्शन था संडे का, 4.5 करोड़ पठान ने कमाया, सैटरडे को 3.5 करोड़ कमाया, फ्राइडे को 2 करोड़ कमाया। सहजादा रिलीज होने के बाद भी, सहजादा के साथ एंटमैन भी रिलीज हुई है, वो भी अच्छा कलेक्शन कर रही है एंटमैन पर, सहजादा कहीं ना कहीं फ्लॉप रह गई है। सहजादा 6 करोड़, 7 करोड़, 7.5 करोड़, तो सहजादा ने सिर्फ 20 करोड़ कमाए और एक और बॉलीवुड की तरफ से फ्लॉप फिल्म देखने को मिली है। वो पठान ने जहां बॉलीवुड को उठाया है, जिस लेवल पर उठाया, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि पठान ने इतने सारे रिकॉर्ड तोड़े और एक और नया रिकॉर्ड बना दिया। 497 करोड़ हो चुके सिर्फ हिंदी में, और 500 करोड़ 2 दिन के अंदर 500 करोड़ भी हो जाएगी, पहली हिंदी फिल्म हो जाएगी जिसने 500 करोड़ रुपये कमाएगी, और वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपये कमा लिए बिना चाइना रिलीज़ हुए, क्योंकि चाइना में दंगल ने 1300 करोड़ कमाए और टोटल 2000 करोड़ कमाए हैं दंगल ने, जो आज तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है, जिसका रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। और पठान ने बिना चाइना रिलीज़ के 1000 करोड़ कमा लिए हैं। चाइना में वैसे शाहरुख खान की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, उनकी कोई भी फिल्म ने कोई करेक्शन नहीं किया है। हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस, बहुत सी फिल्में वहाँ रिलीज हुई, पर 1-2 करोड़ का चंदा मिलता है उन्हें वहाँ से बस। बट अगर पठान वहाँ रिलीज़ भी होती तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई चलने वाली फिल्म है, और इसलिए पठान 1000 करोड़ पे पहुंची है, टारगेट पूरा किया है। ये बहुत बड़ी बात है बॉलीवुड के लिए, इंडियन सिनेमा के लिए, और सबसे बड़ी बात शाहरुख खान के लिए, क्योंकि शाहरुख खान पिछले 4 साल नहीं, पिछले 10 साल 12 साल से ही फ्लॉप चल रहे थे। उनकी एक फिल्म 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस हिट हुई थी बहुत बड़ी, उसके बाद उनकी फिल्में बहुत ही बुरी तरीके से पिटी हैं, और अब जाके 2023 में कोरोना काल के बाद शाहरुख खान की पहली फिल्म आई और ऐसा कमबैक किया शाहरुख खान ने, 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड, हिंदी में 500 करोड़। आने वाली फिल्म जवान और डंकी लगती है, ये भी ब्लॉकबस्टर जाएंगी, क्योंकि ये फिल्म की हाइप बहुत ज़्यादा है। डंकी राजकुमार हिरानी की फिल्म है, जवान भी बहुत साउथ के तरीके से बन रही है, साउथ में जैसा एक्शन होता उस तरीके की है जवान, उसमें बोल रहे हैं अल्लू अर्जुन भी हैं। अभी खबर आई कि पोस्टपोन होने वाली है जवान, 2 जून को नहीं आ रही है, बट देखते हैं, जब भी आएगी बवाल करेगी। पठान ने बवाल किया है, जवान बवाल करेगी, और डंकी को तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो बहुत चलने वाली है। तो शाहरुख खान के लिए बहुत अच्छी खबर है, इंडियन सिनेमा के लिए खबर है कि 1000 करोड़ रुपये पठान ने कमाए हैं, हिंदी में 500 करोड़, और बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा है। और सिर्फ ओवरसीज़ की बात करें तो 385 करोड़ सिर्फ ओवरसीज़ से आया है, और साउथ से तो इंडियन फिल्म, हिंदी फिल्मों को कलेक्शन नहीं मिलता, सिर्फ 17-18 करोड़ रुपये पठान ने साउथ से कमाए हैं। हम चाहते हैं कि साउथ के लोग भी हमारी पिक्चर्स देखें जैसे हम उनकी फिल्म देखते हैं, KGF, बाहुबली, और उन्हें 200-300-500 करोड़ कमा के देते हैं, तो वो भी हमारी फिल्मों को बहुत ही अच्छा कलेक्शन करके दें। और बिना साउथ के ही पठान ने 1000 करोड़ कर लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है, और कॉन्ग्रेचुलेशन है शाहरुख खान को और उनके फैंस को कि फिल्म इतनी बड़ी हिट गई। कोई नहीं, इसका रिकॉर्ड भी जल्द टूटेगा। टाइगर 3 या आमिर खान की कोई फिल्म आएगी वो भी इसका रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको कौन सी फिल्म का इंतजार है। तब तक के लिए टाटा।